हाय बच्चों, सब कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ बच्चों। तो हमने कल की तासिका में स्वाध्याय देखने शुरू किया था ना। हाँ, हमने कल अंत में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, ये हमने देखा था। हाँ, आपने वो लिखा भी है, मेरे साथ लिखा है ना। हाँ, सभी बच्चे जो लिख कर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया है, सबने बहुत अच्छा लिखा है। कुछ बच्चे हैं जिनके हैंडराइटिंग अभी तक ठीक से नहीं आ रही है, बहुत गंदे निकाल रहे हैं। हाँ, तो बच्चा ऐसे नहीं करना है, आपको तो देख के ही लिखना है। हाँ, तो अपने हस्ताक्षर शुद्ध होने चाहिए। हाँ, तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे आपको अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के बैठ जाइए, और सी नंबर बुक और पेंसिल भी शार्प होनी चाहिए। करो जल्दी, निकालो जल्दी, निकाला। हाँ, तो देखो बच्चों, पेज नंबर 37 निकल, निकाला। हाँ, देखो बच्चों, उधर प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, कौन बताएगा? हाँ, क्या है? रिक्त स्थान भरो। देखो बच्चों, उस पेज पे ना देखो क्या है, यहाँ पे यहाँ लिखा है रिक्त स्थान भरो। हाँ, और यहाँ देखो बच्चों, आम है। यहाँ देखो बच्चों, एक आम है, आम में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला। देखो बच्चों, यहाँ देख सकते हैं, देखो यहाँ पे पानी, आदमी, गुस्सा और किनारे। हाँ, तो बच्चों रिक्त स्थान भरो, यहाँ पे जो वहां पे रिक्त स्थान आएगा ना, हमें इसमें से जो सही शब्द है वहां लिखकर वो वाक्य पूरे हमें करना है। ध्यान रहे बच्चों। हाँ, तो बच्चों मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा। हाँ, आपको ही पूछूंगा, आपको बस उसका जवाब देना है, जब लिखना है सही होगा तो मैं बोलूंगा। ओके, रेडी? हाँ, तो बच्चों पेंसिल शार्प किया? हाँ। नर्मदा नदी के रिक्त स्थान एक घना जंगल था। चलो कौन बताएगा? नर्मदा नदी के रिक्त स्थान एक घना जंगल था, कौन बताएगा? इसमें से कौन सा आएगा बच्चों? बताओ। किनारे, वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे हमें लिखना है किनारे, तो लिखो पेंसिल से। लिखा सामने मेरे साथ ही, आपको लिखना है नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था, वेरी गुड। देखो बच्चों दूसरा कौन सा है? एक दिन बहुत तेज रिक्त स्थान है बरस रहा था। एक दिन बहुत तेज रिक्त स्थान है और बरस रहा था, इसमें से कौन सा आएगा बच्चों? हाँ, कौन सा आएगा? कृष्णा बताओ कौन सा आएगा? दर्श बताओ कौन सा आएगा? पानी, वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे हमें लिखना है पानी। ओके, अब बच्चों देखो तीसरा कौन सा है? एक बंदर को बहुत रिक्त स्थान गुस्सा आया। एक बंदर को बहुत डॉट गुस्सा, मैंने जवाब बता दिया। एक बंदर को बहुत डॉट आया, तो बच्चों बंदर को क्या आया था? इसमें है देखो, बराबर बंदर को क्या आया था बच्चों? गुस्सा आया था। मेरे साथ लिखना है
गुस्सा आया था। नेक्स्ट देखो बच्चों 14 नंबर पूछा है, देखने में डॉग जैसे लगते हो। अभी तो यहाँ पे एक ही बच्चा है ना, इसका जवाब क्या आएगा, देखने में आदमी जैसे लगते हो। आदमी हो गया बच्चों, बिना से लिखा है आपने, हाँ ठीक है ये हो गया। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है चलो, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में मेरे को करके लिखना है। हाँ देखो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, सवाल कौन सा है, चीजें गिनकर लिखो। हमें जो बॉक्स मिला कुछ चीजें, कुछ वस्तु, कुछ खाने की चीजें, कुछ खेलने की चीजें, कुछ दिखने की चीजें दिए गए हैं, हमें उनको गिनकर नीचे लिखना है। हाँ ठीक है, तो अभी हम वो लिखेंगे। हाँ तो बच्चों अभी उस पहले बॉक्स में ना आम है, कितने हैं बच्चों आम, कितने हैं, तीन। तो देखो बच्चों उधर तीन, उधर पहले बॉक्स में कितने हैं, तीन, उधर लिखो तीन। लिखा हाँ, अभी आगे ना अभी दूसरा बॉक्स है, मैं जिसको बोलूंगा वही कौन करेगा, ओके गेम। यस यस खड़े हो जाओ। हाँ अभी जो दूसरे बॉक्स में जो चॉकलेट है ना कितने, इधर कौन करो गिरो, हाँ बराबर, हाँ बोलो कितने हैं, छः। तो मुझे छः कैसे लिखना लिखना होता है कौन बताएगा, छः कैसे लिखना होता है, ठीक है इस तरह आपको लिखना है, छे ओके। तीसरा जल कौन सा है बच्चों, हाँ रबड़ है, रबड़ इरेजर है, इरेजर कितने हैं कौन करो, अभी अरुषि कौन करो कितने हैं, देखो कितने हैं, पांच बराबर, तो लिखो उधर पांच, कैसे लिखना है देखा मैं लिख रहा हूँ, चारों को गेंद है, देखो बच्चों चौथे नंबर पर कितनी गेंद है, हाँ सत्यम खड़े रहो बताओ कितनी गेंद है, काउंट करो चलो किनो, एक हाँ कितने हैं, सात बराबर, सात गेंद है तो सात से क्यों उधर, हाँ अभी देखो पांच नंबर पर कौन सा है, पेंसिल है कौन करो चलो, कृषा कौन करो, चार वेरी गुड, छठा नंबर देखो कौन सा है बच्चों, छठा नंबर हाँ खरगोश है, खरगोश कितने हैं, दो, इजी है,
गेंद है सात, पेंसिल है चार और खरगोश है दो। ओके अब हम अभी मैं ये बोर्ड रफ कर रहा हूँ, ओके दिक्कत नहीं हुआ हो तो बाद में वीडियो पॉज करके देख लेना। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सवाल कौन सा है, वाक्य बनाना है हमें। देखो जरा उधर हमें अभी क्या बनाना है, वाक्य बनाना है बराबर ना। भाषा ध्यान देखो उधर नीचे निम्नलिखित शब्दों से वाक्य हमें बनाना है। ओके निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ, निम्नलिखित शब्दों से देखो बच्चों पहला कौन सा शब्द है, नदी है। चलो कौन बनाएगा वाक्य, नदी के ऊपर हमें एक वाक्य बनाना है तो कौन बनाएगा। हाँ पीछे विराजस, आराध्या, मंजिरी, जानवी, जीविका, बहुत सारे बच्चे हैं सबके नाम नहीं लूंगा, जल्दी से कोई खड़ा होकर मुझे नदी के ऊपर एक वाक्य बना के दिखाओ। हाँ कृषा, हाँ बताओ बराबर है, बताओ वेरी गुड। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो बच्चों आपको उस शब्द के आगे जो लाइन छोड़ी है वहां पे वो लिखना है, तो आपको मेरे साथ लिखो। हाँ मेरे साथ लिखना है आपको, नील नदी विश्व की, नील नदी विश्व की सबसे लंबी लंबी नदी है, लंबी नदी है। लिखो उधर बच्चों, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ओके दूसरा कौन सा, देखो बच्चों जंगल है, जंगल, जंगल का राजा कौन है बच्चों, सचिन सर है, जंगल का राजा कौन है, सिम्हा, देखते हो ना कार्टून। फिर बताओ अभी जंगल में जंगल पर एक वाक्य बनाओ, अभी हमने आज पार्ट कल पार देखा ना, परसों चिड़िया और बंदर उसमें है, देखो चलो जल्दी याद करो। हाँ पीछे बताओ बराबर क्या है बच्चों, नर्मदा नदी के
किनारे नर्मदा नदी के किनारे एक घना घना जंगल था। इसे ना नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। अभी देख सकते हो बच्चों घर है घर। अभी आपको करना पड़ेगा ये आप बना। चलो कौन बताएगा? हाँ बराबर, किनार घर का मालिक है। बराबर जब हमारा स्कूल चल रहा था तो आपका पीए पे था और मैं लास्ट में, और आपकी पी टीचर कौन थी? हाँ शुभानी मिस, आपको खेले नहीं देती और मैं ना, तो आप मेरे पास आते थे गुस्सा करके, सर आप हमारा पी पे ले लो पी ले लो। मैं तब क्या करता था, मैं आपको सबको लाइन में खड़ा करता था और नीचे लेके जाके बहुत सारे हम मस्ती क्या करते थे, याद है ना बच्चों? है ना? हाँ तो बच्चों अरे गुस्से पर एक वाक्य बनाओ। चलो कौन बताएगा? इस पार्ट में से बताओ, पार्ट में है हमने सीखा है अभी। हाँ मैं करूँ, एक बंदर एक बंदर को बहुत बहुत गुस्सा आया था। एक बंदर को बहुत गुस्सा आया था। इजी है ना? देखो निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। पहला था नदी, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। जंगल, नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। घर, केदार घर का मालिक है। और अंत में है गुस्सा, एक बंदर को बहुत गुस्सा आया था। हो गया? नहीं हुआ हो तो ये बाद में वीडियो पॉज करके आपको ये लिखना है। ओके ठीक है। तो बच्चों अभी हम यहीं पे रुकने वाले हैं। जो प्रश्न क्रमांक दो है, कहानी के ई अखरांत वाले शब्द छांटकर नीचे लिखो, हाँ वो हम कल की दासिका में देखेंगे। हाँ आज हमने जो देखा है, हमने जो स्वाध्याय लिखा है उसका अच्छा पीक करके उसका फोटो अच्छा आना चाहिए। हाँ कोई भी कैसे भी किताब रखकर फोटो निकालता है, फिर बाद में हम लोग दिक्कत आती है। हाँ सीधे क्या अच्छा से फोटो निकाल के मुझे वो व्हाट्सएप पे मेरे भेजना। ओके ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। हाँ घर में रहो, सुरक्षित रहो और डेली सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहो। ओके बाय।